सो हे गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रियलमी की तरफ से आने वाले एक फ्लैगशिप डिवाइस के बारे में, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर। तो गाइज ये कोई और फोन नहीं, ये होने वाला है रियलमी का X2 Pro, जो कि काफी जल्दी इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए गाइज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज सबसे पहले बात करें यहाँ पे फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक ग्लास वाला बैक, जहाँ बॉसी ग्रेटिन का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे पीछे की तरफ देखने को मिलेगा वर्टिकल कैमरा, जो कि आपको बीच में अलाइन देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 6.49 इंच का डिस्प्ले मिले, जो कि एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड का होगा। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो कि आपको वन प्लस के भी डिवाइस में देखने को मिला है। मतलब गाइज इस फोन में आपको लिए गेमिंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलने वाला है, जो कि रिफ्रेश रेट आपको 90 हर्ट्ज का देखने को मिल ही जाता है। और गाइज आपको इसमें देखने को मिल जाता है एक फुल व्यू डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे कोई नॉचेस नहीं मिलती, आपको यहाँ पे पॉप आउट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करेंगे फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर, जो कि गाइज फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट। और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एड्रीनो का GPU काफी ज्यादा इम्प्रूव, जो कि होगा 640 का गाइज, और काफी अच्छा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसी स्मार्टफोन से। और ये आने वाला है 12 GB तक के रैम वेरियंट्स के अंदर, आपको देखने को मिलेगा कलर OS के ऊपर, और आपको यहाँ पे मिलेगा Android 9 5। अगर बात करेंगे फोन के कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे इसका मेन हाईलाइट बनता है इसका कैमरा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे 64 MP का मेन कैमरा है, जहाँ पे सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको 20x का एक सेंसर मिलने वाला, जो कि काफी लाजवाब होने वाला। एक आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर मिलेगा, और हो सकता है आपको टेलीफोटो लेंस मिले या फिर मैक्रो लेंस देखने को मिल जाए। सेल्फी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 32 MP का पॉप आउट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस से आपको काफी अच्छा मिलने वाला है गाइस। तो अब बात करते हैं फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh की बैटरी, लेकिन गाइस यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कि आपको 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अभी हो सकता है कंपनी काफी ज्यादा अपने नए नए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है, आपको हो सकता है 30W से भी ज्यादा की चार्जिंग देखने को मिल जाएगी स्पीड इसी फोन में, जो कि होगा सुपर वुक चार्जिंग का टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाएगा, साथ में 3.5mm हेडफोन जैक भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो बस गाइस ये थे कुछ का कंफर्मेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर पसंद आया तो लाइक करना। लेकिन अब फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइसिंग के बारे में, जिसका जो प्राइस होने वाला है आपको देखने को मिलेगा 25,000 से 30,000 रुपए के आसपास के रेंज में ही गाइस। जी हाँ गाइस, आपको इसी प्राइस रेंज में इसका प्राइस देखने को मिलने वाला है। और बात करें फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस यहाँ पे रियलमी का X2 काफी जल्दी लॉन्च होने वाला चाइना के अंदर, उसके बाद इसका प्रो वर्जन लॉन्च होगा गाइस, और आपको ये देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट्स में, मे बी आपको लास्ट ऑफ 2019 में देखने को मिले, या फिर आपको पहले पहले में देखने को मिल जाए, मतलब कि जनवरी के महीने में या फिर फरवरी के महीने में 2020 में देखने को मिल जाए। तो काफी अच्छी बात है, ये काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।